फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बहुत अच्छे से मेरे एक और नए वीडियो में। सो जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा, यहाँ पे मैंने कुछ दिखा दिया है iOS प्रो का जो है थीम में आज शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो है ऐसे फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के साथ जो एक थीम को बनाया हूँ, रिमोट किया हूँ, ठीक है। एंड इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत जो है मेहनत लगा हुआ है, तो फिर आपको जो है वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने जो पासवर्ड अपने वीडियो के अंदर ही दे दिया हूँ। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को फुल नहीं देखते हैं। दोस्तों फुल क्यों नहीं देखते हुआ, अभी भी 98% यहाँ पे लोग फुल वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है। फिर पूरा का पूरा वीडियो फुल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो फिर जब आप कर लोगे तो फिर आप जो है लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल के पा सकते हो। और यहाँ पे मैं ऐसे ही थीम्स मेरे चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट के थीम को मैं अप्लाई कर देता हूँ। सो जैसा कि मैंने जो इंट्रो में दिखा दिया था कैसे कुछ थीम का इंटरफेस है और क्या कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक ट्रांसपेरेंट कंट्रोल सेंटर जो कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्लाइडिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से हो जा रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों एक व्यूअर का जो है कमेंट आ रहा था कि आइकॉन्स छोटे नहीं हो रहे हैं, तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद छोटा आइकॉन कर दिया है। एंड जैसे वैसे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था करना, एंड बट इससे ज़्यादा कम जो है अच्छा नहीं लगेगा आपके फ़ोन के लिए, ठीक है। अभी भी देख सकते हो ये जैसे कीप नोट्स वाला ऐप बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है अपने सभी आइकॉन्स के मुकाबले, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कुछ आइकॉन्स यहाँ पे मॉडिफाई किया हूँ, बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे कीप नोट्स ही हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे गेम स्पेस का, गेम्स और गेम सेंटर का आप लोग देख सकते हो सीन कुछ इस तरह से है। एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है मॉडिफाइड ऐप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे मैं जो हूँ दिखाने वाला हूँ आप थीम को डाउनलोड कैसे करोगे एंड अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ जो है मैं बताने वाला हूँ आपको, बस वीडियो को एंड तक देखना है और ज़्यादा कुछ काम मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला है, एंड यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से यहाँ पे बता दूँगा कि कैसे कुछ आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना एक अच्छा सा ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, इस पर जो है मीडिया फायर का मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार से क्लिक कर लेना है, ताकि आप जो है अच्छी तरह से डाउनलोड कर पाओ। और यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, ये ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस में इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए मैंने जो है मीडिया फायर में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको आई मोड प्रो वाले ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है। और वहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का लिंक जो है सेंड किया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड सबसे पहले तो होने के बाद यहाँ पे मैं उस वाले फाइल के लोकेशन पे ले जाता हूँ। आपको अपने फाइल मैनेजर पे जाके डाउनलोड्स वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपको जो है म्यूजिक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है डाउनलोडेड थीम फाइल यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन पे आपको मिल जाने वाला है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको अपने लोकेशन में जाना है। जाने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है, देन आपको सिंपली यहाँ से क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको आईफोन 13 थीम कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिकली 13 का ही है, लेकिन यहाँ पे मैं iOS प्रो का थीम यहाँ पे दे दिया हूँ। एंड यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड जो है सर्च कर लेना है, आपको वीडियो के बीच में यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया है थीम को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे थीम बाय YT कुनाल, थीम बाय यूट्यूबर कुनाल यहाँ पे लिखा हुआ है भी डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये वाला थीम जो है रिमोट करके अप्लाई अपने चैनल में नहीं करना है दोस्तों, मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे
क्योंकि मुझे भी भाई हार्ड वर्क लगता है और मेरा टाइम और एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है ये सब बनाने में, ठीक है। और इसके बाद ये जो है डाउनलोड हो चुका है भाई। यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना ही है थीम तो फिर एक बार से मुझे कमेंट में परमिशन ज़रूर ले लेना, तो अगर तो फिर जो है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड आपका आईमोड प्रो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कंटिन्यू वगैरह पे एग्री वगैरह पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डबल टैप पे माइनस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। देन अगेन आपको जो क्या करना है अपने फाइल मैनेजर पे चले जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको फोन स्टोर पे जाके यहाँ पे क्लियर कलर वाइज वाले फोल्डर को आपको डिलीट कर लेना है यहाँ पे, यहाँ से परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली डिलीट करने के बाद आपको थीम स्टोर पे जाके लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो पे जाना है। देन आपको फोन स्टोरेज के बाद यहाँ पे आपको एक क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एक बार से बैक जाके थ्री डॉट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देन क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट को कर लेना है, वरना आपका जो है थीम कभी भी परमानेंटली अप्लाई नहीं होगा। आप जब रीअप्लाई करोगे थीम को तो फिर इसका जो है आइकॉन अगेन से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे आपको अगेन ऐप इन्फो पे जाके फोर्थ स्टॉप कर लेना है। करने के बाद आपको जो रिसेंट से सारे के सारे एप्लीकेशंस को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपको अपने फ़ोन को कम्प्लीटली रिस्टार्ट कर लेना है एक बार से कुछ इस तरह से। यहाँ से आप लोग रिस्टार्ट कर सकते हो बहुत इजीली अपने फ़ोन को, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।